नमस्कार, मैं JVN डॉक्टर चित्रा आज आपके सामने लेकर आई हूँ विषय आधुनिक काल में हिंदी का विकास। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रथम चरण को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। निज भाषा उन्नति एक अमूल मंत्र देने वाले भारतेंदु के युग में हिंदी नई चाल में ढली, लेकिन रीतिकाल और भारतेंदु युग के बीच संधि काल में ही हिंदी नया रूप धारण करने लगी थी। हिंदी के इस नए रूप के संवर्धन एवं प्रचार प्रसार में फोर्ट विलियम कॉलेज की महत्वपूर्ण भूमिका है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजिनी ने सन 1800 में कलकत्ता में की थी। वेलेजिनी ने भारत आकर ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए शिक्षा, सदाचरण और जनभाषा ज्ञान की आवश्यकता अनुभव की थी, जिसकी वजह से उन्होंने ज्ञान जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनार नाम की संस्था स्थापित की। आगे चलकर यही संस्था फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित कर दी गई। इस कॉलेज की स्थापना से भारतीय भाषाओं विशेषकर हिंदी, बंगला और उर्दू को बहुत प्रोत्साहन मिला। कॉलेज की गतिविधियों को दो भागों में शिक्षण संबंधी और भाषा संबंधी में विभक्त किया जा सकता है। इस कॉलेज में पूर्वी और पश्चिमी साहित्य, अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंग्रेजी कानून, नीति ज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, गणित, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि सभी विषयों की शिक्षा दी जाती थी। साथ ही कॉलेज में अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदुस्तानी, बंगला, तेलुगु, मराठी, तमिल, कन्नड़, मलयालम आदि भाषाओं को पढ़ाने की भी व्यवस्था की गई थी। कॉलेज में अलग अलग भाषाओं के अलग अलग प्रोफेसर नियुक्त थे। डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट को हिंदुस्तानी विभाग का प्रोफेसर नियुक्त किया गया, जो 1840 ईस्वी तक कॉलेज में कार्य करते रहे। ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली गद्य दोनों के विकास में लल्लूलाल जी का महत्वपूर्ण योगदान है। इनकी 11 रचनाओं का उल्लेख किया जाता है, किंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध रचना प्रेम सागर है। फोर्ट विलियम कॉलेज के विवरण में इसकी भाषा हिंदवी, ठेठ हिंदी या कभी कभी खड़ी बोली भी कही गई है। प्रेम सागर श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद का भावानुवाद है। इसकी रचना प्रचार की दृष्टि से नहीं, वरन सिविलियन विद्यार्थियों को हिंदवी का ज्ञान कराने के उद्देश्य से पाठ्य पुस्तक के रूप में की गई थी। प्रेम सागर की भाषा पर कथावाचकों की शैली का प्रभाव है। लल्लूलाल के आगरावासी होने के कारण उसमें स्थान स्थान पर ब्रजभाषा के प्रयोग मिलते हैं। एक ही शब्द के अनेक रूप यथा पृथ्वी भी मिलते हैं, लेकिन ईसाई धर्म प्रचारकों पर इनकी भाषा का प्रभाव काफी पड़ा। हिंदी खड़ी बोली के विकास में प्रेम सागर का ऐतिहासिक महत्व है, जिसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। ईसाई मिशनरियां भारत में ईसाई धर्म का प्रवेश कब हुआ, इसके विषय में तो निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन सन 65 ईस्वी में ईसा मसीह के परम शिष्य सेंट थॉमस का मालाबार तट पर भारत आना कहा जाता है। थॉमस का भारत आना एक पौराणिक कथा बनी हुई है, लेकिन 14वीं शताब्दी से भारत में ईसाई धर्म प्रचारकों के भारत आगमन के प्रमाण मिलते हैं। भारत में धर्म प्रचार के लिए सीरियक, रोमन कैथोलिक, पुर्तगीज विशेषकर आए। ये धर्म प्रचारक हॉलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, नॉर्वे आदि अनेक देशों से आए। प्रारंभ में इन्होंने दक्षिण भारत में अपना प्रचार कार्य शुरू किया, परंतु अकबर, जहांगीर, शाहजहां के शासनकाल में ये हिंदी प्रदेशों तक पहुंच गए थे। अकबर के समय में बेतिया, तिरहुत आदि स्थानों पर कुछ लोगों ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। आगरा में एक ईसाई बस्ती भी बन गई थी। ईसाई मिशनरियों ने अपने धर्म प्रचार और शिक्षा के लिए पुस्तक प्रकाशन की योजना भी बनाई। इन्होंने श्रीरामपुर, मिर्जापुर, बनारस, इलाहाबाद और आगरा में बुक सोसाइटियों की स्थापना की। इन सोसाइटियों ने स्कूल कॉलेजों के लिए इतिहास, राजनीति, भूगोल, धर्मशास्त्री, अर्थशास्त्र, साहित्य, व्याकरण, ज्योतिष, चिकित्सा, विज्ञान आदि नाना विषयों पर पाठ्य पुस्तकें तैयार करवा
प्रकाशित की, शब्दकोशों के भी निर्माण किए। अनुवाद कार्य अधिक होने के कारण इन्होंने विराम चिन्ह आदि अंग्रेजी के इस्तेमाल किए हैं जो हिंदी के लिए नए थे, किंतु आगे चलकर इनका प्रचार बढ़ा। पुस्तकें छापने के लिए आगरा, इलाहाबाद, सिकंदराबाद, बनारस, फर्रुखाबाद आदि प्रमुख स्थानों पर प्रेस भी खोले गए। राजा लक्ष्मण सिंह ने संस्कृत, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के विद्वान थे। इनका जन्म आगरा जनपद के वजीरपुर गांव में सन 1826 में तथा मृत्यु सन 1896 में हुई। आगरा कॉलेज से अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत ये अनुवादक के पद पर नियुक्त हुए। 1855 से ये इटावा के तहसीलदार बनाए गए। 1857 में अंग्रेजों की सहायता करने के कारण इन्हें पुरस्कार स्वरूप डिप्टी कलेक्टरी और 1870 में राजभक्त लक्ष्मण सिंह को राजा की उपाधि मिली। सरकारी सेवा में रहते हुए भी अपने साहित्य की सेवा की। हिंदी उर्दू के अंतर संबंध पर विचार करते हुए इन्होंने अपना भाषा विषय आदर्श राजा शिव प्रसाद से सिप्ता भिन्न प्रस्तुत किया। 1861 में इन्होंने आगरा से प्रजा हितैषी नामक पत्र प्रकाशित किया, जिसमें इन्होंने संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष लिया। कालिदास के अभिज्ञान शंकुतलम नाटक के अनुवाद से लक्ष्मण सिंह को पर्याप्त ख्याति मिली। इसे इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा के पाठ्यक्रम में भी लगाया गया। यह अनुवाद काफी लोकप्रिय हुआ। रघुवंश की भूमिका में लक्ष्मण सिंह ने अपनी भाषा नीति स्पष्ट करते हुए लिखा, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं। हम इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमानों और फारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है। हिंदी में संस्कृत के पद बहुत आते हैं और उर्दू में अरबी फारसी के, परंतु कुछ आवश्यक नहीं है कि अरबी फारसी शब्दों के बिना हिंदी ना बोली जाए, और ना हम उस भाषा को हिंदी कहते हैं जिसमें अरबी फारसी के शब्द भरे हों। इस तरह राजा साहब ने हिंदी को उर्दू से न्यारी केवल हिंदुओं की बोली घोषित किया, और उसमें से सतर्कतापूर्वक इन्होंने अरबी फारसी के चिरपरिचित शब्दों को भी चुन चुन कर अलग कर दिया। भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक और अग्रदूत कहे जाते हैं। इनका जन्म 1850 में और मृत्यु सन 1885 में हुई। इस छोटे से जीवन में इन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य की बहुत सेवा की। अपने समय में इनकी लोकप्रियता इतनी थी कि इनके समकालीन पत्रकारों और साहित्यकारों ने इन्हें 1880 में भारतेंदु की उपाधि प्रदान की। ये अपने देश प्रेम, भाषा साहित्य प्रेम तथा ईश्वर प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे। निज भाषा उन्नति है सब नित्य को मूल, इनकी मातृभाषा के प्रति यह उक्ति जन सामान्य के लिए आदर्श बन गई। भारतेंदु ने अपने समय के समाज और साहित्यकारों को जागृत कर एक पथ प्रदर्शक की भूमिका अदा की। भारतेंदु अपने परिवार के साथ जगन्नाथ की यात्रा पर गए। वहां उनका परिचय बंग देश की नवीन साहित्यिक प्रगति से हुआ। उन्होंने बंगला में नए ढंग से के नाटक, उपन्यास देखे और वैसी पुस्तकों का हिंदी में अभाव महसूस किया। नागरी प्रचारण सभा। सांस्कृतिक संस्थाओं के साथ साथ अनेक साहित्यिक संस्थाओं ने भी हिंदी के विकास में अपना योगदान दिया, जिसमें नागरी प्रचारण सभा का नाम भी विशेष उल्लेखनीय है। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 10 मार्च 1896 को काशी में हुई। प्रारंभ में गोपाल प्रसाद खत्री, राम नारायण मिश्र और बाबू श्याम सुंदर दास इसके आदि संरक्षक रहे हैं। बाद में इसके प्रमुख संरक्षकों में मदन मोहन मालवीय, अंबिका दत्त व्यास, रामचरण गोस्वामी, श्रीधर पाठक, बद्री नारायण चौधरी आदि का नाम जुड़ गया। सभी ने हिंदी के विकास और संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। वृद्ध कोशों का निर्माण, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास लेखन, प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों की खोज, गोष्ठियों का आयोजन एवं शोध कार्य आदि विभिन्न योजनाओं को संचालित किया है। बिसल देवरासो, पृथ्वीराज रासो, हिंदी की वैज्ञानिक शब्दावली, हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास, हिंदी शब्द सागर, पारिभाषिक कोश आदि ग्रंथों को प्रकाशित कर सभा ने कार्य किया है। सभा ने आर्य भाषा पुस्तकालय नाम से एक वृद्ध पुस्तकालय भी स्थापित किया है, जिसमें पांडुलिपियां भी संग्रहित हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन की शुरुआत सभी ने मई 1910
से मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में की, जिसमें लेखकों विद्वानों को पुरस्कृत करने की और भाषा संबंधी विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। सभा ने 1896 से नागरी प्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। इसके अलावा सम्मेलन पत्रिका एवं राष्ट्रभाषा संदेश पत्रिकाएं भी सभा द्वारा प्रकाशित की जाती रही हैं।